हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ फ्रेजेस जिनसे कि हमारी इंग्लिश ज़्यादा फ्लुएंट साउंड करेगी, लोगों को लगेगा कि हमारी इंग्लिश थोड़ी और बेहतर हो गई है, और साथ साथ में ये सेंटेंसेस हमें इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं जिससे कि हमें आगे वाले सेंटेंसेस को बोलने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है, और ये कनेक्टर्स का भी काम करते हैं। ये सेंटेंस कनेक्टर के साथ साथ में हमारी जो एक थॉट प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं, तो इन्हें हमें सीखना बहुत जरूरी है अगर हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेंटेंसेस। जो पहला सेंटेंस है उसे आप देख सकते हैं, वेल स्पीकिंग ऑफ प्लेइंग चेस इन इवनिंग एंड दैट डॉट 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 मीन्स मैं कोई भी सेंटेंसेस में ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि वेल स्पीकिंग ऑफ प्लेइंग चेस इन द इवनिंग। अगर हम बात करें कि शाम को हम चेस खेलने की बात करें, अब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि मैं काफी बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता, तो मैं इस तरह से बोलूंगा, वेल स्पीकिंग ऑफ प्लेइंग चेस इन द इवनिंग आई एम क्वाइट बिजी, आई कैन नॉट ज्वाइन यू। दूसरा सेंटेंस, व्हेन इट कम्स टू, जब ऐसा करने की बात आती है, इस सेंटेंस को अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू, तो आप इस फ्रेज को लिखेंगे कि जब ऐसा करने की बात आती है, when it comes to spend time together, you always have excuses। जब भी साथ में समय बिताने का टाइम आता है तो आपके पास हमेशा excuses होते हैं। या आप बोल सकते हैं, when it comes to go for shopping, you always have excuses। और आप बोल सकते हैं कि when it comes to play cricket, you always tell me you are busy। Now next sentence, well to be honest, सच कहूं तो, वेल टू बी ऑनेस्ट आई वॉज बिजी दैट्स वाई आई कुडंट ज्वाइन यू। सच कहूं तो मैं बिजी था इसलिए नहीं आ पाया, तो वेल टू बी ऑनेस्ट आई वॉज बिजी दैट्स वाई आई कुडंट कम। अब आप इस सेंटेंस को अगर सिंपली बोलेंगे, जैसे अगर आपको कोई पूछे कि वाई डिडेंट यू कम यस्टरडे, तो आप बोलेंगे, अगर आप बोलते हैं आई वॉज बिजी और अपना सेंटेंस फिनिश कर देते हैं, तो आप साउंड करेंगे बहुत ही बेसिक। तो आपको बोलना है वेल टू बी ऑनेस्ट आई वॉज बिजी सो आई कुडंट कम, तो आप थोड़े सा आपको अच्छा फील होगा। वेल फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर मैं साफ साफ बोलूं तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, वेल फ्रेंकली स्पीकिंग आई लाइक योर वे ऑफ टीचिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये भी इसी तरह का होता है वेल टू बी ऑनेस्ट, कि सच्ची बात तो ये है। Alright, as a matter of fact, you are a good person. As a matter of fact, you are a good teacher. As a matter of fact, you are a good learner. So if you liked the video and you learned from the video, share this with your friends, family and other people. Hit the like button and share it. Bye bye, take care, see you in next video.